واحدة. اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله <applause> لا حول ولا قوة إلا بالله حي <applause> على لا حول ولا قوة إلا بالله <applause> لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى الله على إبراهيم ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد ابراهيم وعلى ال رب هذه الدعوه الطامة والصلاة القائمه على محمد الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته <applause> الحمد لله

मगर वो सिलसिले तमहीद बातें कुछ जरूरी है वाकया करबला अहमियत जड़ी लोगों ने बिल्कुल नज़रअंद करती यकीन जानो एक रोशनी का मीनार है जिन्होंने बहसा जुड़ जाता यजीद हुसैन रोज़ फसे है। गल नहीं समझते कि बहुत बड़ी बात है दीन का एक थम है अगर ये गिर जाए तो दीन कुछ भी नहीं सिर्फ अपने जगह से मुल्ला खादे खीर हल्के ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿ ਖিলাਫਤ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਸਾਂ ਉਹ ਖিলাਫਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਵਕਤ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਤਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਣੇ ਆ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਮਖਰ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਣੀ ਕਿ ਅਗਰੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੇ ਤਾਂ 1400 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਘਰ ਖੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੰਗਾਲੇ ਕਿਸਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਣੀ ਬੇ ਰਸੂਲ ਰੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ایمان ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਗਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਜਿਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆ ਦਰਜਾ ਬਣਾਉਠੀ ਕਨ ਇਹ ਸਿਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਗਲ ਬਣਾਈ ਇਹ ਦੀਨ ਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਤੇ ਜਿੰਨ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਹਿਨ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਤਾਵਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਸਾਬੀ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ بڑے بڑے ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਧਰਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਚੋਰ ਜੋ ਦਾੜੀ ਚਿੰਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ बसूला के जमाने कलम पढ़ने वाले एक लेवल से नहीं यह गल लोगों की समझ आ जाए तो पता लगे भी कोई सहाबी जो थले आ तो कुरान दसता तो उस दर्जे का सी अल्लाह पाग ने पहला रसूले करीमरा सलाम फरमाया तुम कह दो ब मुसलमान भी हो तो दो सौ तो गल पाऊंगे और अगर सौ होने तो हज़ार से गल पाऊंगे उस भी एक काफर का मुकाबला दसा काफर का मुकाबला एक मुसलमान उस कुरान च आ गया फिर आरान मुसलमान बद गए बहुत हो गए ईमान कट गया हजूर दे दौर दौर कि घटिया एक दस का मुकाबला से एक दो का रह गया कुराना कि हूँ ये नहीं ईमान और नहीं रह पहलियाँ दे ईमान मजबूत से वह एक दस का मुकाबला कर अल्लाह अल आना खफा फरला हूँ रब ने पाई बोझ कटाता एक दस वाली नहीं कर रही वार एम नफी कम जाफा अल्लाह में मरूम हो गया बड़ी बसीरत और अजीमत और ईमान जोड़े कमजोरी आ आते मुसलमान होगा ज्यादा ईमान कमजोर अल्लाह ने आख्या कमजोरी लाइन हो गया हूँ सिर्फ ये भैया चो सौ होगा तो दो सौ का मुकाबला कर सकता और हज़ार होने गे तो दो हज़ार का मुकाबला पहला एक दस हूँ एक दो क्यों साफ और इसलाई साफ और नहीं जिसमानी कमजोरी ना करो बसीरत और ईमान की कमजोरी ईमान कमजोर है कलमा पढ़ी जाते नहीं पुख्ती और कुरान मजीद शिवराज तौबा बाद फिर फैल जाती है और जितों रजी अल्लाह रजू पढ़ते पाक ना श्री जुलम करी एडे धोखाबाद तो लोग कुरान ने तीन ग्रोप उथे बयान कर लिया बस सब एक वरूण मिनल महाजरी नव अंसार वल तब ओम बेहसान एक ग्रो है कि जड़े नेक पहल की उन्होंने शुरू से ही कलमा पढ़िया और बहुत अगे निकल गया जहाद किए माल कुर्बान किए कि कुछ बाद आए मगर वह भी जोड़े से बे जिदा के पहले से उदा दिया नेकिया उन्होंने करके फाइए इन्होंने फरमाया कर ला इन्हों राधी है तो यह रबते राधी ये अगे निकल गया नेकी दूजे ग्रोह का उत्थे यूरत तौबा और सौ एक सौ एक सौ तीन कट के देख लियो की मात चला भी चलाकी करते रजियाला पड़े बहुत तो थोड़े तो 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 ज बंद पहले जड़ेसी ग्रोह दूजा अल्लाह ने फरमाया मे मन हाला रा मुनाफिक कौन व मिनहरि मदीना तेरे असाब चेलासूर मदीने मुनाफिक बहुत डंगे और चीची सरा हिस्सा निकलाए थे ला तार महरा दूरन निफात तो पक्के बेईमान माहिर ला तारम नो न इन्ने माहिर कि तू नबी होंद नहीं समझ सकता कि मुनाफिक सिर्फ असने एक किधर ले जाने लोगों के वेख चो असा भी है रसूल नहीं जानता तुम किसों जानना खुदा का खौफ करो ना कहो कि उस मने के सारे ठीक से एक आला तरीन ग्रोह से एक मुनाफिका का और तीजा दरम्याना मुनाफिक नहीं सी। लिया माँ नहीं मगर में मिलने कम वो आते। ना ही अगली ऐत वाह खर उन्हा ताराफू बेजनूब में खरा तो अमल सा लिया वाह खरा सही है वो रलवे मिलवे कम करते बच्चे चंगे होंगे बिच बुरे हों कोई नहीं आख्या बख्शना असल हो बन शायद अल्लाह तब कबूल कर यह शायद यह तीन ग्रोप उस जगह एक कैद फरी जाते हर मैंबर से चढ़ने रजी अल्लाह वो भाई नेकिया बहुत अगे ग्रोह अगे शान है दूजा मुनाफक का ग्रोह तीसरा वो जो रल में, में कम करते और एक आई सूरा आल इमरान भी सामने रखनी है कि जंगे ओह जिस वायत बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हज़रत अब्दुलरमान मनॉफ हज़रत अब्दुल्ला तिनात इमानसी ने लिखी और हज़रत अब्दुल्लाबिन मसूद आँदी इस पेल ससम दिदा तो पहला को मैं तैयार से कह दें हिसाब से कोई दुनिया लारब नहीं ईमान से सा बेसारे दीन लिया पर आया ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਤਰ ਗਈ ਮਨਕੁਮੈ ਉਰੀ ਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਮਨਕੁਮੈ ਯੂਰੀਦ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਾਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਆਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਦਾ ਹੁੰਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਬੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ असाब का अल्लाह पता कि सच्चे हिसाब है बच्चों के लोगों लारे हिसाब ही हता कि रसूले सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई ने हिसाब किया जो आख्या कि यारसूला इजाजत जैन कतल कर दिए या ही नतल करिए दुआई मचा इन्ना मुहम्मद नहीं अक्सुला हिसाब आ मुहम्मद अपने हिसाब में कतल कर लग पे रहन जो अगे निभन गए मैं कि उत्तों कलमा पड़िया मरवाव दुआई मजनी भी हर दूजे देर इस असाब का पहला से इंसाफ करो कुरान के मुताबिक उर किस्म के लोग से आला तरीन भी है जेड़े बहुत उच्च निकलते दुनिया के तलब भी है मुनाफिक रसूरे करीमरा में सब कुछ जानती वही के जरिए आपको पता है दो खतरे सिरते मिला वाकया कर मिला समझो की करा गल बहुत लम्मी करनी पड़े हद चौदह सौ साल हो गया पर ये क्यामत क्यों आई क्यों अल्लाह के रसूल का बच्चा बेसबरा हो गया और क्यों आरी मैदान च निकल के तलवार फड़नी पी बुढ़ापे मुसलमाना के खिलाफ अल्लाह के रसूल सलाम ने एक दिन फरमाया शर सुनना इमाम बबी जी मुसल अहमद जी और अलामा अलबाणी साहब सिलसिला सही आ पंजीं गैल उबी सही देर खुदरी कारा समय तरस रसूल जान दंग चढ़ाने रले तो है कलमा पढ़िया हूँ इन्हों वढ़ बदनामी एक मुसलमान मारना जिंदा रहन दिन तेने पिछु बहुत कम खराब करना सारा कुछ हजूर मिल और खतरे दो जड़े से ना वो सही हदी सन मौजूद एना की शामत आ देनी है जिसे ज रसूल करीम सलाम ने फरमाया इन्ना मिन कुमई कातल अला तादिल कुरान कमा कातल तो अला तनजील तरीखा की लौड़ नहीं खुदा दे बंदे शैख लदीसा रब का ना मनो किसी दिन रफाई दैन चो निकल के फितरिया दिन हरीसा पढ़ो कि रसूला की दस गया अ कारत शुरू की जिन्हें दीन दी बर्बाद किया तो हजरते रसूल करीम असलाम ने फरमाया लोगो थोड़े तो बच्चे एक आदमी ऐसा जिनने जिस तरह मैं कुरानी तनजील से जंग की उत्तर नहीं लोग मन मनते नहीं बे अला चरम मैनू एजें लड़ना लड़ना प्यार कलमा पढ़ाने लूनू बेचारे कलमा पढ़ने वाले ना लड़ना पैना जे पढ़ते पुराने उन्हें गलत तस्रीह करके जीन का बिड़ा गर्क कर दिया एक अगरीब जीनू ये कम करना पैना कार आऊ बकर आना हुआ यार सूर हजरत बकर ने आख्या अल्लाह दे सुर मैं कार अल्लाह क्या नहीं कह आ उमर आना हुआ यार सूरा अल्लाह दे सुर मैं कार अल्लाह वाला किन खासनारा जरा जुत्ती गंढ रहा ना ਗਾਲਾ ਵਕਾਣਾ ਾਟਾਲੀਆ ਨਾ ਰੋ ਯਖਸਾ ਜੁੱਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਗੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੰਡ ਹੋ ਰਿਆ ਸਾਹਬਾ ਦੌਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿਆ ਉਹ ਹਸਬੰਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ਗਵਾਣਾ ਬਦਸਤ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਗੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਅਮ ਸਾਝ ਉਠੀ ਹੋਗੀ मुआवजा झूठा होगा खर जी झूठे हो बुखारी और मुसलम् सारे दफ्तर इन्होंने पानी फेर दिता ना दालमन हकूमत नब्बे साल बनो मैया ने की बात चाहिया ने की हर मैंबर उन्होंने कब्जे से मुर्ला उन्होंने से हदीसा फेराती क्या शान आ शान हरी दे 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 नु के मुकाबले मुआवजे ने लाया क्या मत जे बारे च हदीसा कि साढ़े वामद बने हम बल सही सारे कि जो दफ्तर साढ़े च को आया ना उस ए अंदर इन सही हदीसा किस हिसाबी की शांत नहीं ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਉਧਰੋਂ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਲਮ ਯਸੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਮਾਵੀਆ ਹਦੀਸਾਂ ਕਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਸਭ ਝੂਟ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਹੋ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾ ਬਾਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੱਕਾ ਫਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਦਾ ਚ ਬਨਾਲੀ ਦਾ ਹਮਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਲਾ ਤੱਕ ਬਾਦ ਦਾ ਹਿੰਦ ਦਾ इन अरीद मुकाबले च लाया और प्रोफगेंडे दसरे लोग आते जी बराबर देख दारे खुदा तो डर दो तौबा करो दे जिन्हें ला गया नबी कि दीन तबाह होना मैनू कलमा पढ़ाई लड़ना पाया तेन तावी लड़ना पुरानी गलत तशरी के मुकाबले तो होना पे एक, एक जंग से हजूर ने मोर लाई सबर करो आ जाएगी हदीसा ताकि तेनों तो पता लगे भाई तारीख को अग लाओ ये तारीख और वो पजद नामराद जजीत सचा सिंह फिर आप ना लेंगे हदीसा लाओ इन्होंने पता लगे कि अला दे रसूल सलाम की दसिया वो किड़े खतरे से अलासूल भी नज़र कि दो जड़े इन की कम बख्ती आदनी ये जड़े ना दुनिया वास्ते सलाम ता आवड़े इन्हों दोवे पेश पै जाने वोवें इस्लाम के बेचारे मददगार है इन्हों खै नहीं होनी उन्होंने एक अंसार था ने फिर मैं कि मजीने वाले बदकिस्मत होने इन्हों बहुत जुर्म होना ये अलासूल सलाम ने पेशगी किया ये बारे च ऐलानिया दस्या ए इमाम बुखारी रमतुल्ला ने अपनी सही कई जगह इस अदीश न्याय ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਅਨਸਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੱਕਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਾਮੂਸਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ तेन दिन जिन्ना सहाबा और ताबीन कतल होया जिन्हें घर लुटे और जो कुछ मदीना जो जो कुछ मदीना बजाई हेठ बजाई कंबी कि यार कर बलाद कुछ भी नहीं हर राज ऐसे ऐसे सहाबीय रसूलों की औलाद मार दीते क्या करे हजूर ने उस फरमाया कि दीन की दी खिदमत का सिला मिलना तो बाद चाल उन्हों दुआव कर दे अल्लाह अमर हम अंसार वाह बनार अंसार वह बना बना हजू तो उन्होंने अहसान पता कोई भी नहीं मैं चलता ही गरीब लिया ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਨਸਾਰ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਰੰਤ ਤਿੰਨਾ ਪੁੱਛਤਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਮਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਬੇਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਮਾ ਪੜ ਗਏ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਮਕਸੂਰੀਨ ਲੈ ਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਡੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 24 ਦਾ ਕਾਤਰ ਅਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਪਿਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ आ गया अमीरे मुआविया का भरा अंधला कतल हुआ नाना उत्मा अली की तलवार कतल हुआ उकबा बिन मैच ने हजूर से जी पाई हथों मरिया पुत्र गवर्नर बन गया बाद हजरत वलीद अली जी शामत आनी सी कि नहीं आोबी जड़े बदरते हैं ना काफिर सत्रा चो अली ने मारे अली गरीबी मुसीबत आ गई मदीने वाले अल्लाह के रसूल सलाम ने, ने वाजे है बुखारी शरीर कई जगह गल है मुड इतों शुरू कर ली है यजीद हुसैन तो गल ही कोई नहीं फिर पढ़ा पॉइंट पिछो लो कि दिन की दी बर्बादी किदा शुरू हुई और रसूल कम कंबला गया कि मेरे बाद चीन चीजा निकल ए बाप है इसे बारे के अलासूल सलाम ने फरमाया खराजा यौमन फसल सलादर अल मईद बहुत जगह हरी साई मैं इतने किताब अल मनाकब चौं पढ़ लिया तीन हज़ार पांच सौ छियानवे नंबर बुखारी शहीद हज़र चुकबा बना मर आते जल रसूलों अलाह की तरफों इतराह मिली भी दुनिया छड़ जाए उस फिर हजूर शहीद सत्तर दफन फसल लाला आख देन सला दल मैये आपने इन्ने दर्दना उ फिर उन्हें दुआ बख्शी मंगी जिमें मैय दे जनादे तो बंद रो रो के कर बहुत दुआ पता आखिरी फेरा सुमन सलाफा मैंबर फिर आ गया मैंबर तो चढ़े पकार इन्नी फरत आख्या मुसलमानों मैं तुर्ड तो अगे अगे जा रहा मेरा वक्त आ गया मैं चलिया हूँ वह ना शहीद होना मेरे सामने जो कुछ तीस करते मैं वो गवाही दूंगा मेरे सामने भी चल वैनी वल्ला एल अंदर हौज लान और मैं अपने इस मेंबर से खड़ा इस वक्त ही अपना हौज एक देख वेख लिया पर उठाते रब ने हौज वेख लिया वैनी कदों तो खजाया ना मफाती लर्ज़ तो जमीन के खजाने भी जोड़े उन्होंने कुंजियाँ रब ने मेरे हवाले कर बहुत मुल्क मुसलमानों ने फतेह करने मगर होना की है वैनी वल्ला मा खाफ बान तुश्रिक मैनू इस गल का डर नहीं बे मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे ये तो मैं बेफिक्र भी बुत नहीं बनने ना तो काफिर होना मगर एक गल सुन लो हो जानी है वला कि ना खाफ उन तलाफ उसकी आई मेरे बाद दुनिया के लालच दा एक दूसरे से टुट पैन लड़ाइया तो जंगा द खून से खराबे दुनिया का जरा बात बिलकुल आते रसूले उस वाजे करता तो काफर नहीं हूँ तुम्हें मुड़ के होना मगर दुनिया का ला, ला। हजरत उस्मान दुआने चलवा और ही चलवा बाह चुन अज तक चलती है हजूर ने उस वे कहता शिरक का दा डर नहीं मगर दुनिया का लाल बिलकुल खोल के उस फरमाया कि ती इस गलू भी अच्छे तरीके न सुन लो कि अंसार गरीब जड़े न ए मना के ना? बुल अंसार सही बुखारी देप रसूल करीम सलाम साफ फरमाया बाब जो की है बाप कौले नबी सलम ने अनुसार इस बेरू हता तलका नबी सलाम ने आख्या क्या अनुसार तीन बड़ी नेकी की खराज माऊ वरीद काला जा बिन सही कि मैं हज़रत अनस बिन मालिका जी सुनिया अनस कौन है दस साल माँ ने देता हजूर पाकों तो दस साल हजूर की खिदमत रहे कर नहीं किया साद मेरा रसूल मगर हशर यह हो जो दसियासी इतने लोह थपा के हजाज ने डम लाया अखा आनिया कि की हद के उत्ते अग दे तपा के निशान लाते वरीद को गया फिर में वक्त को शिकायत कर ली उस तो गल सुनाई ये हजूर ने सूँ दस दिता मेरी मदद कर फा मिलना थानून दालादा तख्ते आ जानी तो तु फिरना बुरे हाल हो मगर साबर करे तो अला से फिर जो वलीर की तरफ उन्होंने लै गए लोग पकड़ के कारा दन नबी सल सलमान सारे लाई युक्ता लाह मुल बहरान रसूला ने बुलाया बे यार तुम बड़ी कुरबानी करते रहे हूँ बहरैन का इलाका फतेह होया मैं उत्तों तो जार देना चाहता मुआवजा देना तुम्हें तो जमीन देईए फू ला एडे नेक अनसार कह गए ना लाद रसूल साहब ना दे अंतुता लिखवान मिलना मिसरा ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ فرمایا ਓ ਪਰਦੇ ਗੈਬ ਦੇ ਚੁੱਟ ਗਏ ਕਾਲ ਇਮ ਅਲਾ ਫਸਬੇ ਹੱਤਾ ਤਲਕੋਨੀ ਫੈਨੂ ਸਯਸੀਬਕੁਮ ਬਾਦੀ ਅਸਰਾ ਕਢਾ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਜੀ فرمایا ਭਲੇ ਓ ਮਾਨਸੋ ਸਬਰ ਕਰਿਓ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਓ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ थोड़े ना बहुत जुर्मर जाती है उत्तर नजर दहमत फरमाते एक सौ अठारह सभा फरमाते फिर होया अशारा बे कैला अल यसी फी कह रहे हैं भाई एक ससू ब वाल कैला के रसूल ने क्यों क्या फरमाया हुकूमत कुरैशियाँ संभाल लेनी है जिन्होंने तुम जंगा लो पलटा पलट जाना है राज उन्होंने हाथ आ जाए और फिर माल जो गसब कर लेना है बैतुल माल खा देना तो कुछ नहीं मिलना वकान लम्बड़ कमा बसफा जिमें अला रसूल अरे सलाम फरमायासी बनेदर फरमाते वाकई उस तरह अंसार की कोई कदर ना हो और च पै जा पता लगे कि हजरत अब यूब अंसारी हजरत मुआवजे ने की बिन्हें छे महीने रसूल ना रोख्या की जवाब मिले बहुत तरी हदीसा चुपाँ किस परदे पै हुसैन गरीब ना निकलता निकलता ना तो होर घर टुट के फरमाया उस तरह हो जमें अला रसूल आसलाम ने दस्या वाह महादूदन थी मा अखबरा बी मेरा मोरला आती वाह कमा कर यहाँ पेशगोईया चो जी अजे हुई भी नहीं गलत तो अलाद रसूल ने दस, दस से दी बाकी उदा ही मैं हजूर ने दसिया मैं जरा शुरू किया कि हजूर देशगोईया सचिया हुई कि जो नबी क्या गया सो गए अनुसार ना ये होया जुलमर और जाती जी हद कोई कदर कितने नहीं हुई बहुत बुरे सुरबक होए एक उम्र मनब्रजीज हलाल निकलिया मरवान का पोस्ता मर खुदा बरी जिमें हजूर ने आख्या कि अनुसार जी मोहब्बत वो भी बुखारी शहीद चाहे मुसरम अलाद रसूर क्यों किया बंद तो होर भी चंगे ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੂਮਿਨ ਔਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਮਿਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੂਮਿਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਐ ਸੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਆਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ دین ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵਰੀਦ ਮਰਿਆ ਕਿਹਦਾ ਮੁਸਬਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਛਡਣ ਦਾ उन्होंने बदले लै फिर हुसैन को तो हसन को किसी ने जहर दिता मारा ये छोटी मोटी गल नहीं व्याज बुखार चढ़ गया से बहुत पिछे अल्लाह दे रसूल अल्लाम ने दुआई दे का का के आख्या कि रोगो अंसार दुहबत यही बाब है हुबर अंसार है माली मान एच फिर मैं अंसार जरा मन हब्बा मह ला, ला यू हिब्ब मिल्ला मोमिन फर्क दस गया कि मेरे पास साहबा देखना आया ना अर अंसार ला यु हिब्बो मिल्ला मोमिन अंसार ना जरा प्यार करेगा वह मोमिन हो उन्हें इसको तो ही प्यार करना भी आदे रसूलों ने इन्होंने अपने शहर जगह दी वाला युग दो मिल्ला मुनाफिक और जो इन्होंने दुश्मनी करूगा मुनाफिक हो मन हब्ब मब्बुल्ला जड़ा इना मुहब्बत करे अल मुहबत करे फमन अब गम अब गुल आया ईमान हुबल अनुसार ईमान निशानी जो अनुसार जी मोहब्बत व आया मुनाफिक बूजल अनुसार ये ना करीबा ने भुगत सही मुस्लिम मुसलिम एक बाब जरा इस बारे के रसूल ने अली बारे और हज़रत अली ने कसम खा के खुदा दी लोगों दू आख्या भाई अला रसूल मैंने कह नहीं सी सबी उम्मी मैं क्या सी तू दीन की खिदमत कर ला फिर ना। जंगे बदर जिदा तो बहुत मारदा तो खदक तू करना नतीजा की होना फिर की तेनों का फल मिलना उस वह सही मुस्लिम ईमान के पर फरमाया हजरत अली ने कसम खा के अल्लाह तला किस खुदा की किस्म है जिन्हें दाने पैदा किए हैं जाना जड़िया ने उन्होंने बनाया अल्लाह के रसूल आई सलाम ने की मैं दस दिता सरना आ कुछ नतीजा जोड़ा होना ना वह है वो एक गल फरमाई कि रसूल करीम सलाम ने आरानिया क्या वे तेरना मोहब्बत करेगा मोमिन और तेरना दुश्मनी करेगा मुनाफ दोवे ने पुख्या बाकी जो अंसारा थोड़े सामने आईना आ गया कि उन्होंने दे छजरे वेखो जे लड़े आई ना और फाज हज़रत हुसैन कतल कर रहे दी वड़े केड़ी केड़ी ते हुं दी हुं। कि औरात उन्होंने व्डे कि जंग मरे मारे बाद चैमें चा ऐन रोशनी होंगी कि अज की गल नहीं देरी ना दुश्मनी बिल्कुल बदले लैर जा रहे अंसाराक्य हर राज बर्बाद होना मदीने शरीफ का तेन उजड़ना यह जजीद न खपत नहीं चुना दुश्मनी ली किसी मेरे सारे व्डे बदर से मारे थोन फल देना हजारों साबार ताबे ने मसैमत गल है मैं मुकादेन ਇਤਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿ امام ابن ਬਿਲ ਹਜ਼ਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾ ਜਾਣ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਲਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਮਨਵਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਬਰਬਾਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਬਨ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਨਾਸਿਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ بیان ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖਲਾਦ ਅਲੀ ਖਤਰ ਕੀਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਬ ਉਮਰ ਬਨ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਨਸਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਮਾਨ ਹੈ जमाना हुकूमत तो उदाया उस अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्दुल रब्बी ए हाबी है जिनू ख्वाब तो अजान विखाई गई जो अजान का मशरा हूं इनू ख्वाब तो रब ने विखाया फरिश्ता रिश्ता नदराया उन्हें दस्या हजूर दस्या अब ने बया बिलकुल ही बही बेटी हजरतुमर बिन अब्दुल रजीज कोई हराल ज़्यादा से यना मरवान पोता मरवान और अपने करतूत हर बंद अपना अमल है हजर सुमर बिन अब्दुल रजीज ने उन्हें आख्या मैं बेटी हूँ अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्दुल रब्बी ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਦਾਨ ਸਿਕਾਈ ਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਉਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ 라 ਮਦੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੇਵਜਾਰ ਹੋ ਮਦੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕੜੀ ਚਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿ ਮਾਮੂਦ ਸੰਤਪੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰੋਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਰੂ ਮਾਨਾ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਕੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੈਦੇ ਲੰਬੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਰੀਆ ਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀਆਂ ਉਮਤ ਜਾਗ ਉਠਣੀ ਔਰ ਜਾਗ ਉਠੀ ਇੱਜਾ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਬਾਦ ਕੀ ਵਾ पूरी थल थल च लग गई एक दिन भी इन्होंने अमन नसीदियाँ लोगों ने उन्होंबं पुट के उन्होंने फिर वकत हुआ दी इमाम हुसैन के खून ने बरकत दिखाई कि चुप करके बह जाए इदा ही होंगी जानी गांह तो गांह हराम तुरे आने मुसलमानों को कुचलते जा इस बारों हजरत अली रजीला तौर भी रसूले करीम असलाम ने वाजे ऐलान किया कि बई अली तिरना मोहब्बत करूगा मोमिन और तिरना दुश्मनी करेगा मुनाफे ए उस वे रसूल पाक अलम ने साफ जी गलू के बयान कर किसे दे इसी तरह होनी शुरू और बिल्कुल सामने आनी शुरू हो गई गल कि रसूला का इंतकाल खिलाफत वास्ते लोग कट्ठे हो गए अंसार ने आख्या हक बन गया और किसी लिहाज देना कम नहीं कोई बंदा नहीं कह सकता कि रई बराबर घट से उन्होंने दी खिदमात दीनि दी मदद बहुत ज्यादा थी बिल्कुल वो जमा उन्होंने आख्या हजरत साहद मैंने वादा नहीं रसूला का जानसीन बना साहद कोई छोटा जहा बंदा ਸਾਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬੇ ਰਸੂਲ کریم ਰਸਾਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 70 ਸਾਹਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਬਾ کرام ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ حضرت ਇਹ ਹਜ਼ਰਤੇ ਅਬੂ ਅਕਰ ਮناسب ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮناسب ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ ਮਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਬੇ ਹਜ਼ਰਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਵੀ ਔਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਪਰੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮਤਵਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦਾ उन्होंने हुकूमत अग् बनी है सारा अरब काफर मम उन्होंने सलाम करता बैतुला मुसली नबी भी उन्होंने आया उन्होंच बनूंगा तो किसी कबीले सर नहीं चुकना तुम बनोगे असं चुक घट जा मगर होर कबीलों का, 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 का हो की राजज करा अरब कबायल जो असिज रही गल बिल्कुल ठोस सारे ने आख्या यार छोड़ो की झगड़ा पाँना हजरत हाँ बकरी की बैद करी मगर उस बैद के मौका से भी अंसार ने जो कुछ कहा वो तो सामने पढ़ देना कि रसूला के दस्से के मुताबिक उन्होंने देन खतरा की ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਬੇ ਜੇ ਉਮਰੇ ਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਸੱਰ ਤੋਂ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਮਗਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਸਾਰ ਤੋਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਰਖਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀ ਦੋ ਖਲੀਫੇ ਬਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਸ ਤਰੀਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨਸਾਰ ਪਾਗਰ ਇੱਕ ਵਕੀ ਦੋ ਖਲੀਫਾ ਬਣੋ ਅਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀ ਦੋ ਖਲੀਫੇ ਬਣ ਵਾਰੀ ਗਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਵਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹਰ ਖਲੀਫਾ ਮਹਤਾਤ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ رضی اللہ عنہ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜੋ ਨਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਸਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸ਼ਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ حضرت عمر ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਤਾ ਅਨਸਾਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਦੋ ਖਰੀਫੇ ਬਿਅਕ ਭਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਰਬਾਰੀ 12ਵੀਂ ਜਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਹਾਬਾ کرام ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਕਾਇੰਦਰ ਨੇ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਰਸਲ ਕਾਸਮ ਬਨ ਕਾਲਾ ਜੀ ਤਮਾਤਰ ਅਨਸਾਰ ਦਾ ਸਾਦ ਬਨੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ वो भी कंबन रहे कट्ठे होए साध बिन वाता वू बकर व अमर वाहू बैदा ए बड़े बड़े साबी उत्थे गए हदरत ऊ बकर गए उमर गए बू बैदा गए फा अमर हबाब इमर मुंदर वकान बदरी उन्होंने एक सरदार खड़ा होया हब इमर मुंदर, वह बदरी साबी बदर च गया छोटा मोटा से नहीं कला मिन्ना अमीर व मिनकू अमीर उन्हें आख्या अल्लाह से बंदे एक हाकम थोड़े चो हो एक साढ़े चो हो मर इस खिलाफत मामले चाहिए कोई हसद नहीं करते लालच फारों कह रहा वरा किन्ना नई यारे आम कतलना बहत कि नफोरना से इन्हों मेरी उम्र गुजरी कि हुसैन मजरूम जन्नत जवाना का सरदार तो बिड़ा रोक दता इन्होंने लोगों ने रिसाले लिखते एक खबीस उस हजरत किया एक सौ तिरवंजा सभा फतर बारी बारवीं जल ਕੰਨ ਲਗਾਓ ਡਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਲੋਗ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਚ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰ ਉਹ ਤੇ ਖੰਦਕ ਤੇ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਫਕਾਰ ਉਮਰ ਮਗਰ حضرت ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਫਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਇਹ ਦਾ ਮਾਰਕ ਉਤੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨ ਅਜ਼ਾਲਿਕ ਫਮਤਾ ਇਨ ਇਸਤਾਤਾ ਬਈ ਹਬਾਬ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰ ਕੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਦਾ ਤੱਬਰ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਮਰਦਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ امام ਮੋਸਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਪ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਆ ਮਰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਐ 153 ਸਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਜਿੰਦਾ ਤੱਬਰ ਔਰ ਇਹ ਸੇਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ حضرت عمر ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਮਰਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਰਾ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ حضرت عمر ਨੇ ਕਿਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ حضرت 우ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਚੀਨ ਲੈਣੀ ਇਹ حضرت ਮਰਦਾ ਕੋਤਬੈ ਪੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ के ना दुआई दिखी बड़ा मुसलमाना मशुरे तो बगैर खलीफा बने तो जेड़ा बनावे तो उन्होंने कतल कर यह लगे इस्लाम का बेड़ा करके, इस्लाम की है कि खरीफ खुआ सिर्फ वो हो जन उम्मत चुने जोड़ा तलवार ना आंता या फौज ताकत आता बकासल है कोई हक नहीं भावें वाली होमत चुने पसंद ना उन्ना चर ही रवे जिन्होंने जिन लोग राजी है जो आंसर सामानी पसंद चुप करके छे ए इस्लामी हुकूम का नक्शा जरा सही बुखारी हजरत मर्र जी खुतबा बाब रजमर होबड़ा मनाजनायजा आह सना एक सौ चौताली पैंताली सवे लंबी तकरीर की क्यों कि हजरत उम्र हजू ने जैसे आखिरी हद एक गल् कोई नहीं भी बाद चलिया हजरत सम्मान दे खून तो प्यारी हो चुकी लोगों ने उत्थे मिल मक्के ही कह दिता हजरत उम्र के इस आखिरी हज एक शख्स आया अब्दुलमान बिल हजरत अब्दुलमान आए फुकार अलाता रजन ता मीरमा या हर ही थे, ही ही बंदे ने उत्थ हजा ते कमीजर उन्होंने फलामान बंद ने नहीं दस्या और ना गोमिया पता इदा ही लगना भी हूँ बाद जिन्होंने चंद चढ़ाए वह पता लगना कि वही बंद यकूर लो कद माँ तो उम्र लकद बाया तो फलान बंद ने कह दिता बे जो उम्र मरिया ना असी कोई मशुरा नहीं लैना ना किसी को पुछन जाना फलाम बंद की बैत कर ली तो हुकूमत बना लेनी फा तो मा बैत हो बकरीला फल तन तम अबू बकर बैत जी कि किसी ने पूछा से वही भी तो उम्र ने हत्थ फड़िया तो बैथ हो गई से इदा ही असं फल लेना हैत कर यह साजिश हो चुकी कि उम्र के मरदा ही ना हथ फड़ अपनी हुकूमत बना लें तो हजरत उम्र हाजिबा उमर उससे आ गया फिर मैं मैं अज ही खड़ा हूं और तकरीर करना जाना दस दा फ मुहद फ मुहदे रमलाना जुरी जुनाई रब का ना लैके बुखारी छे हज़ार अठ सौ तीह नंबर हदीस कट के लिए शराब पड़ो तो पता लगे कि पिछों कि लग गई हुई बजोर जी बड़ी बनाई सलामी हुकूमत छीन का इरादा दुनिया वाले वो जरा दस्या दुनिया चाहते काफिर नहीं दुनिया चाहते पर मैं मैं लोगों को आगाह करना चाहना इन्होंने तो। जोड़ी जून से बुआ मुमर जो चाहते हैं कि मुसलमान के मामला रसब कर रही हुकूमत छीना चाहते मैं खुतबा देना उस अब्दुलरमान आख्या मेरे मैं इतने ना करी इतने पढ़े अनपढ़े सारे लोग हज चाहे गल नहीं समझ सकते यूघिया मदीने जाके खुतबा दे चुनाचे मदीने जाके पहला खुतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास साहब ने मैं जाके पहला मैंबर को बह गया कि अज उमर ने जो तकरीर करनी उम्र भरनी है अच्छ राजज खुलने कि है हजरत उम्र फिर खड़े हो खुतबे ज बयान कई मसायल किए रजमद भी संसार का बयान किया और जेद्ध अंदर ये भी बात बयान फरमाई मम बाजुलमिन गहरे मशरा दम अल मुसलमिन फरा जी बा हो बाई बाहो तगे युक्त ए हुसैन का मिशन और ए आसलाम जे असतों फेड़ गए जींद कोई तो ही जी गई ਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ مشورے ਤੋਂ ਬਗੈਰ بیٹھ ਲਵੇ ਕੋਈ مسلمان ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ مشورے ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਤ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ আর ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰੀਦ ਦਾ ਸੂਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਚਲ ਚੁਕੇ ਇਹ ਛੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ آگਾ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ अमीर उमम ने की थी। पता बंदी मगर की किया जिमें रसूल आते मैं लादन बई न कतल करा रौला पैदा क्या साबू न मार ला पीचीदा हो गया मामला नंगे काफर ना तो निबड़ सदगा चलम को की करे लोगों ने आखना यार सू नहीं पता तू अंदर देखिया हज़रते उमर रजीला ने अपनी जिंदगी ऐलान किया उसदुलबा फी मारे फसल सहाबा, सहाबा किराम के हालात के पं जिल अलफे से हिसाबना मामले ने सिरलियां यजरत मुआवियर अजियन के हालात लिख दिन कि हज़रत उमर ने उस भी आख्या पता ए मारना वरवा अब्दुरमान इबन अब्जा उमर अनुकाल हादलामरफी आखिर बदल मैं बाकी अमन महात हजरत उम्र अजीन ने आख्या तीन सौ सतासी तीन सौ अठासी साल के बदरवाल चो जद तक एक बंदा भी जिंदा ना किसी दूसरे का इस्लामी हुकूम हक नहीं बन बदरवाल जिंदा होंद्या एक ज भी कोई खलीफा ना बने मगर यजीद उदों बनया जो बदलवाले भी है दस जनती हिसाबा चो जींद ਨਿਰਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਰਹਗਾ ਮੁਰਕਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਸਮਾ ਫੀ ਅਹਲ ਯਹੂਦ ਮਾ ਬਾਕਿਆ ਮਨਮ ਆਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੋ ਫਸਮਾ ਫੀ ਕਜ਼ਾ ਵਕਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦੀ ਬਰੀ ਅਦੀ ਬਰੀ ਤੇ ਮੁਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ बिचे हजरत मुआवजिया वाले साफी अलीक वाला अल वाला दे तलीक वला मुस्लिम तरफत शायन ये जिन्होंने हजूर ने मक्का फता होते माफ़ी दीती मैं जाओ मैं तुम्हें तो कुछ नहीं तलीक हजूर ने आख्यान तुम तलाका की सजा देनी माफ़ी दे पर मैं तरीक जड़े आना औलाद और मक्का फतह होने इस्लाम ले खिलाफ कदी हिस्सा नहीं कदी ना बेवकूफी करे कि खिलाफ ज संभाल है इन दिलों से रंशा कि मिटनियाँ फिर भुगतोगे तुम यह हजरत उम्र जी का फैसला तीन सौ सतासी तीन सौ अठासी एना दारी ना रहा बन के रहन माता खलीफे ना बनना जाए आ गया सजा पाओगे सारे भुगतना पा जो तुम इस्लाम वास्ते कर दे खुतबा जरा वापस आके के दता तो जदों जख्मी होगा ए के जरा मैं थक गया और हजार रियाल दिता शराब एक मदीने ली जिन्हें कुछ रात फोलया वरना गुम हो सारे लंघ जो कि खुदा जाने उमर ने किल की ढूंढो कि उम्र अपनी जिंदगी दस रहा कि लोग तैयार हो चुके और हुकूमत खोना चाहते ये खुतबा जैसे आप जख्मी करता गया तो कि आपने फिर छः बंदे मुकर्र करते छे बंदे जड़े ना चोट बंदे बंद हजूरों तो राजी गए पर मैं मैं इन्होंने कर करता फल खिलाफत शूरा बै नहाय हिस्सित अला दीना तोहफे अरसूल वाह वाहमराज कि मेरे पाद छः बंद आपस एक आदमी खलीफा चुन ला मशवरे ना अल्लाह रसूल जो दुनिया से गया सला तू सहान खुश उन्होंने जिन जन्नत दशारतं से चोटी तो के बंदे इन अलावा उस बंदे एडे कुरैश से हो चोटी से मगर नाल ही क्या वह इन्नी कदर एम तो मैनू चंकी तरह पता है मेरे इस फैसले में लोगों ने कई ने हदम नहीं किया अन्ना कम माँ यती बोन फी हाजरमी मा अन्ना कौम याता फी हाजरम पर मैं मैनू चंकी तरह पता उन्होंने बंद का जे इस मामले को नहीं सही मानते कहते उमर ने क्यों ना दिता था घट हक है वो खोना चाहते है ना जराब बेदी बेहदी हाजिर इस्लाम निशानी इन्नी क दसी कि उन्होंने मैं मार मार के उन्होंने लोगों ने इस्लाम लिया शौक ना नहीं आए मार के इस्लाम चड़े हुए वो बिल्कुल नाराज है बे बंद क्यों दता असी खोना वो खोह लिए तैयार हो चुके हैं उन्होंने फैसला कोई कबूल नहीं तो आपने फरमाया फैन फालू जलाय का जुला ਦੇਵ ਨੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ دین ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਗਮਰਾਹ ਉਹ دین ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਤੇ ਬਰਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕਰੋਸ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਉਬੀ ਮਾਲਕੀ ਸੱਚੀ ਹੀ ਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਬਨਾਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉਸੇ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ तुम खिलाफ दे, फल ओलम बिमना ना उम्र बिहाला अल कौम ताइनीन अल आबीना मल खिलाफ आजो दो सौ कार्ड खत गया मैं ढूंढो यार बोल मोल गल करके लं जाते पता नहीं उम्र ने कि रहा गल की अल्लाह बेहतर जानता, नाम कान कौम या बौनांत कूना फिया बैत कौन सी गिरो जिन्होंने होर किसी का इतराद नहीं जरा मर्जी आवे सिर्फ आते रसूला के घर से, से नहीं आते ਐਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰਲੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਲੀਫਾ ਹੋਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿ ਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਗਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹਿਰੇ ਬੈਤ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਲਾ ਬਣ ਜਾ ਜ਼ਬੈਰ ਬਣ ਜਾ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਬੈਰ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਕਸੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਨਕਸੀਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਰਵਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬੈਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾ ਬਤਰ ਜਾਨੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਲਈ जुबैर का मशुरा देता हजरत जुबैर करता एहले बैद से नहीं सी आन देना फाने इबनबास काला कॉले उमर यमन अबू काम रसूला सल सलमान तबनामी माँ यमन कौमक मिन एक दिन हजरत उमर ने आख्या हजरत इबन बासू कि तेरा बाप रसूला का चाचा अब्बास तू भी हजूत चाचे का बेटा एक की गल है आखिर कौम जी तुम तो अंग नहीं खरीफा बन दें कला कुल तो ला देनी तू तो कह इबने बास मैनू हजरत की पता ये की गल है एहले बैद ही खिलाफत वालों नाराज ही है ਇਹ ਨਾ ਜਨਾਬਾ ਦੇ ਕਹਨ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਦਰੀ ਹਜ਼ਰ ਸਮਰਦਿਨ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਇਹ ਕੁਰਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਹਸਦ ਦਾ ਸ਼ਕਾਰ ਆ ਸੜਿਆ ਬਈ ਨਬੀ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਫੀਕ ਮਨ ਬਬਾ ਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬਵਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਜਤ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾਏ ਗਰੋਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਲੂਆਂ ਫਜ਼ਰੁਨ ਅਬਿਲ ਖਿਲਾਫਤ ਨਬਵਾ ਲਮ ਯਬਕੁਰਨਾ ਸ਼ਾ एक ये कहेंद इन्होंने दिल्ला बड़े जे नवत भी इन्हों को चली गई हाशमिया को खिलाफत भी चली गई साढ़े को बाकी रह गया असी गिनती ना रह हसत तो कोई एड् परेशान भी नहीं होना चाहिए हसत से आदम के पहले पुतने कर लिया कतल कर यूसफर इस्लाम के पढ़ाव कर लिया भी बशरी से हसत वाहिन अफजल नसीबैन मा बैन आमा खालु इलाम इला ठीक वाहन नकमैन भाई कुरैशी पावे किन्ने सन बन शायद अल्लाह तौला तो दे देते हज़रत उस्मान की खिलाफ दे मौका से बिल्कुल नंगे हो गए जो हजरत अब अब्दुल अब्दुलरहमान बिनाफ आख्या मैं उस्मानू ब उस वेल दवें पार्टियां नंगी होगी जरा परा खुल अब्दुल्ला बनसाद मुर्ताद मक्केला जड़ा हुक्म का बेना इनू कतल कर सामने आ गया और बिन नुआत वही पाने वाले पुत्र वरीद आ गया उन्हें आख्या अब्दुल रहमान जे बना ही ना उस्मान ऐसी असी कुरैश मुतफिक करवा वरना असं इख्तलाफ करें अं नहीं मनना होर किसी खुल के और हजरत उम्र अपनी जिंदगी कह गया हैरान कर गया कि लोगों मैं पता कि गुणा अखीरते रह जाना हजरत उस्मान का और हजरत अरीमान बारे की दस्या उस तबसरा कर जानते उस्मान च नरमी बंदा नहीं बुरा नरम एक को हुकूमत नहीं कंट्रोल होनी ये उस वे वाजे आपने साहब बयान कि नरमी तो दूजे पास उम्र हजरतली का दसाया और पूछो उदों कोई का कतल हज़रत समा को बदले का मसला पर मैं अली बनया ना फसल तख्त अली फौर अर मैं हूँ दस देना कि लोग इख्तराफ कर देनू नहीं मनना इन्हना मन दे कि चौबी बदर चली कतल किए उन्होंने बड़े इन्हू खलीफा मन पर मैं यू बना नहीं और मुसलमद मुसदर हाकम च जा रहा है हजरतली सिरों गंजे कह लगे रब की कसम मेरे बाद अगर इस गंजे को खलीफा बना तो उम्मत इस तो चलू मगर की करा बना मैं फैसला मैं ना इख्तराफ कर दें गुरु तैयार से इस फैसले मेरे से नाराज है और छीनना चाहते है ये कोई नहीं मनना चाहती चुनाच वाला अमर मनासले शूरा अमर मिलास ने आख्या तू इना कमेटिया बना फिरता सूँ क्यों नहीं बच्चे वाड़ता दसो अमर कौन है अमर मिनास वो जो हबशा चो मुसलमान वापस लैन गया काफर के कहते नजाशी को गया वापस लिया के मरवाना चाहता आ गया ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ عمر ਤੂੰ ਸ਼ੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਪਕਰਾਲ عمر ਇਤਮੈਨ ਕਮਾਵਾਦਾ ਮਗਰ عمر ਤੇ ਮਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਲਨ ਨਾ ਕ ਬੈਦਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਦਾ ਸ਼ੂਰਾ ਜਵਰਦਾ ਫਿਰਨੰਦ ਖিলাਫ ਵਲ ਲਾ ਇਲਾਹ ਅਲ ਤਫੀਹਾਦ ਹਮਲ ਸਲਾਹ ਅਲ ਰਸੂਲ ਅਸਲਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਗ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਦਾ ਬੈਦਾਰ ਆਰਾਮ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ बड़ा दस्ते राज जिन्हें कुरान झूठा जोड़ा सी चुक के तोखा किया मतलब फैसला साल सी कुछ किया मजमे चा के झूठ मारता क छुपया मर बनास ग्रोह बन गया इनू मिसर देता अमीरे मुआविया ने आख्या मेरे ना रल दिया ने आख्या कल ना अरे पहला पेलांत मुसलमान एडियाँ फिर तू कि झाड़ दिता इन्हें आख्या नहीं यार मेरा भी मुखारफ तेरा भी उन्हें आख्या फिर गल कर सौदा कर उन्हें आख्या सौदा आया कि मिसर जो छीन लवोंगे अरी को ताह तेरा ਉਦ ਤੂੰ ਗਵਰਨ ਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰ ਕੋ ਰਾਨੀ ਉਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਖਰਾਜ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਂ। ਦੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਾਪਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਖਰਾਜ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇ ਬਣਾਤੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਰੱਧੀ ਜਮਗਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸलाम ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ पूरा हजरत अली उमर ने किन्ने दुख में आख्या कि अल्लाह के दुश्मन है गुमराह बेदीन है इस्लामू फेर देंगे और फेरिया तख्त नहीं लिया भीन बदलिया हज बदलिया का बदली नमाजा बदलिया जदों मैं इन्होंने लंबे खुतबे फिर पता लगना कि हुसैन ने जो देखा की रह गया मेरा हुकूमत का मामला हजे चमत्तों से लोगों को कौड़े लगते जरा कुरान ने आख्या ईद की नमाज वास्ते आदान कर ली और ईद का खुतबा पेल कर लिया तो नमाज चला हो अकबरी छड़ते सवाए पहले अला एक एक दिन दी की मिट्टी पुलिस वेर साबा किराम लोग जाके कहना बसकात होने इनू देईए अपन खुशबुआर कपड़े से करप्शन की हद होगी इनू माफिया को देिए जेडे दे जमाने मरे हजरत कपूर साहब ने आख्या रसूल ने अगर तुझे दे दी बड़ी जाल माफे पोते दीन का पट्ठा बह गया ते मामे हुसैन बेसबरा हो गया ना यजीत ना कोई, कोई फौज किटी कर करो कि लोगों को लिखता ब्याह मेरी मदद करो जल् उन्होंने भी आख्या जाओ कम करो की लाना मेरे को मैं माफी तरफ जा रहा ਸਰਵਨਾਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨਾ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਜੜੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲullah ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹਟਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਬੈਦullah ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਓਸਾਨ ਦਾ ਕੇ ਉਸ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੜਾਪੇ ਦੀ ਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨ ਰੰਗੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੈਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਉਨ ਚੜਿਆ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਅਸਲ ਤਨ ਸਾਚਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦ ਬਨਰਕ ਮਰੀ ਰੁਏ ਕਿ ਅਸਾ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਖਿਆ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ मगर वो देखिया उन्हें कि एदा ही चुप रही गल कदों हजूर जरा खतरा दसासी कि अंसार दी भी शामत आनी है अली ने भी भुगतना और उमर भी पिटता मर गया कि ग्रोह तैयार हो गया जिन्हें दाँदा से भी मक्का फता होता कोई हिस्सा नहीं जो आ गए इस कम दिन ब दिन खराब होंगे जा इस तो यह तफसील्डे तो सामने जी बड़ी सुनी है बारहवीं जल्द फिर इमाम बिन हज़री लिखते कि वाकई जमें हजरते उमर अजियल ने कहा और लोगों ने दसियासी अली तो बाद बन गया फिर कम अरी तो बाद अरी दे पढ़ लो एक सौ संताली वर मुराद अन्म यून अर अमर बगैर आहद वाला मुशावर जरा ना गुरु छीन लेना चाहता हजरत उम्र का मतलब सी ना मशवरा होना ना उम्मत को पुछना उम्मत तमाशा वेखली देनी ए यजीद तो बाद जो चंद चढ़या ना वो कभी पढ़ो तो बाद च किमें फिर मरवान जोड़ा किसी वादा कर लेता यजीद पुत्र ना खारदना तू मेरा साथ दे तेन मैं अपने बाल शरीफा बनो बाद मुखर गया अपने पुत्र अब्दुल मरगू मरादता अब्दुल मलिक जराने वादा किया कि अमरदिन सही तू मेरा साथ दे, चाचे से दे तैनू बनाऊँगा मुड़ के अपने हाथों ना तबाह किया चमह अपने नहीं कर जानी तमाशा बन गया छोकरे बहे जा तमाशा वे बोल भी ना सके की बन रहा इस क्यामत का मुकाबला इमाम हुसैन किया कि कुछ ना बने मगर तारीख से लिखा जाए इस्लाम आ है और जो कुछ कर रहा है गलत यह गहराइनी कार्रवाई कर दे मैं रोक सदा मेरा बाप बेबस करता इन्होंने हसन बेबस किया मेरे को की है मगर यामोशी मोहर लगती जाती कि ठीक है हाफिज़ साहब लिखते हैं वका दवाका बाद अली वफ का मा हजरा उमर जीला जिन्हें हजरत उम्र ने लाया इस वक् अली तो बाद उदा ही होे ने फिर नहीं मशवरा मंगा तलवार बहजना जो ताकत होंगी दूसिया वढ़ के इस्लामी हुकूमत जी जैसे मैं अला ने रसूल फरमाया कि अल खिदाफत बा सलाह सुना सन तीह साल माड़ी चंगी चलनी है दोह का दौर बिल्कुल बचिया दोह फितरियाँ जलंघ जाना सुमत खून मुल्क नूजा ए रसूल झूठा करो कि फिर जालन बादशाही आ जाए मुआवजा मान मुलख नाजूस जे पैगंबर ने नहीं किया तो सू फांसी दियो तो या तौबा कर इन्हों की वकालत ना करो अला जो करना करे तो उन्होंने माफ़ी दे मगर साडा बेड़ा गर्क करे सानू नहीं दुनिया के आजादी नसीबई मुसमान मुलक जोड़ा आया डिकटेटर आया डबर आया और डंडे से जोर न राज करता रहा वो मशुरा जरा जुम्मन तो बगैर जरा बने उन्होंने वड़ व्ड दौ व्ढना की असं आप बेपास खत्म हो गई है इस बारों ये तमहीद है ये रसूले करीम अल सलाम ने जिन्होंने दोवे गुरुआ के बारे च कि अंसार जी महब्बत ईमान की निशानी ना बोझ मुनाफ कर ना उन्होंने दोवे का पता होर किसी को कुछ नहीं होना दूज रांझी कोई नहीं ए ना बदले लेने दे को लेने जंगे खंदक वेखते अमृत मेरा वो पार कराया जो उन्हें ललकार क्या हो मुसलमानों तुम आंधे जन्नत आँदा जरा शहीद हो जाए जिन्हें जन्नत आना छेटी पजाव की होबा साहब जेडे छर सट के बह गए मशहूरी सी अमृत के मुकाले हज़ार बंदा नहीं खड़ो सकता इन्ना वह जौब है उस वे चली खड़ा हो मैं जाना रसूला आपने वाली अमर आया आपने अमृत की हो यार रसूला अल्लाह मर यार है हजूर पाक ने रवाना करके पिछले किमें हाथ उठाए कहला मैंने तनाह तो छी कोई हामी है मेरा यह भी मर गया तीरह जना हजरतली ने जाके आख्या की कम बख्ता बहुत बात कह लगा मैं तेनू जन्नत जाना चाहता छेती पहुंचा चाहना ਇਹ ਹੈ ਕਹੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਬੂ ਤਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਅਬੂ ਤਾਲ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਫਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਨਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੰਝਾ ਚਾਹ ਗਿਆ ਲਾ ਸੰਭਲ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਨਾ ਕਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਰਾ ਸਣੇ ਜਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ اکبر ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਪੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ भुगतना पै गया कुछ आप भुगतिया कुछ पिछों औलाद ने भुगत्या तो तो ये पूरा हदीसा कटा के पढ़ाई भी हदसा है कि नहीं हजरत पेश किए कहीं ला गया कि नहीं रसूलला दवाई दें गया कि नहीं कि अनुसार तुम्हारा जुलम होने इस तू क्यों अल्लाह के रसूल झूठा आँदी हजूर सल्लाहसलम सब नज़र आ रहा और जो इमाम हुसैन हजूर ने कहा कि इंशाला सबर करो वक्त हो गया आई सामने आऊगा कि कमेंसीने पैरों दस गया तू शहीद होना क्यों हदीसला ठट्ठा कर दे हुसैन कोई पागल सीआ है खुदा सा खौफ करो को खराब ना करो और इन्हें अजीत की हिमायत ना करते फिरो हुसैन जन्नत के जवाना का सरदार है अला रसूल ने आख्या मन हब्बा हुमा जरा इन्हों दुआना महब्बत करे क़दा हब्बा नहीं और मेरे नाम हब्ब मन अब ग हुमा कद अब ग नहीं जिस कम बखत दे दिल हसन हुसैन ना वैर हो मेरा दुश्मन पिछले परचे जुम्मे भी आया से रसाला हूँ भी वो रसाला आ गया मामन हुसैन की शान अब्दुल मन्नान ने लिखा बहुत कीमती है सही हड्डी सुआ दान जो पाया वो लै लो ਪੜੋ ਐ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਮੰਨਤਾ ਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਕੋ ਮਗਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਬੜਾ ਤੋਖਾ ਬਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਾਤ ਚਲਾਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਕਾ ਫਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਕਰੂਬ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ اور حضرت علی نے جو کچھ اپ نے کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ساری حدیثਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਾਈ ਖਾਮੀ ہوئی جا کے ਪੁੱਛ ਲੇ نبی ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ 마बिया करत ਹੋਊਗਾ ਤੂ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਗਵਾਣਾ ਲੜਣਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਡਾਡੀ ਕਦੇ ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਭ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੈਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਕੇ उन्होंने दुश्मनाना मुहबत करते अल्लाहदैदे वाह आखिर उदावन अलहमुल्ला खैर खल्क़ सैदना मौलाना मुहमद में इसमें अलहमदिल्ला वाम मैं मिम्बरे रसूल से बैठा आखिर उम्र अगर इस बारे कुछ थोड़ी बहुत लचक होंगी तो मैं इस उम्र से बदनामी ना लेना दवाई मची मादी साबान करता मगर मेरे ईमान ने मैं मजबूर करता कि अगर मैं गु चुप रहाँ तो गुंगा शैतान इन्होंने बहुत बड़ी शहादत पर और बड़े जड़े पिछों साजिश करते आते हमायत करते इस पारों जो नब्बे साल हुकूमत की बाद चासिया ने सात सत साली अले बैदी बारी नहीं आई उन्हें अपना प्रोभ गंढा कराया सारे मैंबर कब्जे से हूँ सीकूमत के हदीसा फैलावती कात बे बही फलानी तोड़े सामने पड़ता हजीत आलम ने आख्या मुआविया रंग की शान चिखी सी सही मगर सैकड़े पढ़ी जाते झूठ बोलते हरी के बराबरी करे अरी तो हजूर ने आख्या तू मेरे लिए इस तरह जैसे मूसा ना हारूं सिर्फ नबी नहीं हो रही मुकाबले कर अल्ला दे अल्लाह हिदायत दे बहुत सारी चीज़ा जड़ियाँ इन्होंने जवाब इंशाला फिर ही होने हूँ नहीं मौका ऐसे शराफते राष्ट्र कानफ्रेंस मुनद हो रही है मिनटकुमड़ी बाजार पाँच फरवरी बरोज जिसमें अजीन स्कालर ने अजमीर साहब दूसरे खिताब फरमाएंगे पांच फरवरी तहरीके सलामी कई परसों बरोदार मरखा पांच मस्जिद हो ए किताबा वगैरह जड़ियाँ बहरों तुम्हें तो मिल सदी एलान हूँ सुन लो मेरे सामने बैठे और एक बहुत बड़े आदम दीन ने जो उसद है साढ़े इतने उन्होंने आप भी आए इस सिफारिश भी की थी और आदमी भी जराू मैं जानना मेरा दोस्त जी य मस्जिद की जगह लै बैठे कि दस हज़ार रुपया इन्होंने मैं बकाया कि हार यने मस्जिद में बेचारे जाते दूजा तो को लेना गल फल लें कि तुम माड़ भी आज तड़ा ला इस तो अज दे जुमे खुदा वास्ते मुहर्रम का महीना ये भी हदी से पाक सुन लो कि रसूल करीम सलाम ने जो तो पूछा सही मुसलम तिरंगी जला रसूल फर्जा तो इलावा किमाज सब तो अफसल है फरमाया तो फरमाया रोज़ एक इस महीने अफजल है रमदान शरीफ तो बाद फरमाया शाहर उ तदू ना मुहरम ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੀਨਾ ਅਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਰੋਦੇ ਨਫਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ 9 10 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਲੀ ਜਿਨੇ ਕੋ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਐ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੋ ਐ 10000 ਰੁਪਇਆ एक बंदा भी पूरा कर दे कि भी किस्मत च नेकी है मगर ज्यादा भी कर दो अच्छा अल्लाह आजरती ज़्यादा तो ज़्यादा तावन करो मदद होनी चाहिए ये बिल्कुल खाली ना जान अल्लाह तारा कबूल फरमाए तो दस हज़ार रुपया मेरे भरा फिर के सारे ना सफ़ा कट्ठा कर जो ये राजी हो जाए मौलाना भी और मेरे दोस्त जोड़े उस्ताद ना आए थो भी आंखें मौलाना थोड़े तो भरोसे में ना आया मैं कोई नहीं मेरा भरोसा कद अल्लाह का दा, इस तो जेब किस्मत होया तो दस हज़ार बन जूगा जे बदनसीबी हुई तो लोग पैसे कुट लैन तो रह जाएंगे इस नेकी तो यह हूँ मेरा अपना मामला कि नेकी खटनी है कि नहीं खटनी अल्लाह तौफ़ी तो कर दो पूरा अल्लाह मुसल सैयद ना वनबीय ना मुहमद इन सभी बारिक वसलन अल्लाह मोमिनना वल मुसलमीन अवल मुसलिमातयाद इन अल्लाह वसाने वाई ताय दिल कुरबा ਵਯਨਾ ਨਲ ਫਸਾਏ ਵਲ ਮੁੰਕਰ ਵਲ ਬਗਿਆ ਯਾਜ਼ਕ ਮਲਾ ਲਾ ਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਲੋ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫਾਈਆਂ ਸੀ ਚਿੱਟਾਂ ਕੁਛ ਹਕੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲਹਾਰੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸੁਣ ਬਾਈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਆਉਣਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ 1:30 ਤੱਕ ਠੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਗ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕਿਆ ਦੇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਇਹ ਮੌਲਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਲਿਓ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਇਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਇਆ ਚਲੋ ਚਲੋ वाहुर अशतरुण नखी फी जमातमान अज जी मर्जी मारे कशा बड़ा मरू